नमस्कार साथियों एन स्टूडियो में आपका स्वागत है आज हम स्ट्रीम टू स्ट्रीम थ्री और स्ट्रीम फोर की जो एडमिशन फीस है अगर हम उसकी बात करें क्योंकि स्ट्रीम टू स्ट्रीम थ्री और स्ट्रीम फोर जो अनसक्सेसफुल लर्नर्स हैं किसी भी अदर बोर्ड के अदर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अनसक्सेसफुल लर्नर्स जो यहां पर एडमिशन लेते हैं उनकी फीस का स्ट्रक्चर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो पर सब्जेक्ट उनकी एडमिशन फीस है और उसी टाइम उनसे एडमिशन के टाइम पे उनकी एग्जाम फीस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चार्ज की जाती है और जैसा कि हमने कहा कि स्ट्रीम टू में स्ट्रीम थ्री में और स्ट्रीम फोर में आप अपने सब्जेक्ट्स के प्रीवियस सब्जेक्ट्स के अचीव्ड मार्क्स दो सब्जेक्ट के अगर आप अदर बोर्ड के हैं तो दो सब्जेक्ट के प्रीवियस मार्क्स आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसकी फीस है अगर आपने किसी और बोर्ड में सीनियर सेकेंडरी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा लेकिन वो वहां आप क्लियर नहीं कर पाए और यहां पर एनओ में जब आप स्ट्रीम टू या स्ट्रीम थ्री या स्ट्रीम फोर में एडमिशन लेते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट छोड़ देते हैं उसके अलावा एनआईएस में जो अवेलेबल सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उसमें एडमिशन लेते हैं और उसमें एग्जाम देना चाहते हैं तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट की एडिशनल फीस भी लगती है अब अगर हम स्ट्रीम टू की बात करें तो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कोर्स में स्ट्रीम टू में एडमिशन लेने के लिए चार पर सब्जेक्ट इज द फीस जो सब्जेक्ट्स आप यहां पढ़ेंगे उनकी फीस चार रुपए पर सब्जेक्ट है उसी के साथ क्योंकि आप स्ट्रीम टू में एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन जब आप लेते हैं उसी ईयर ब्लॉक में उसी एडमिशन ब्लॉक में आपके एग्जाम्स भी होने होते हैं तो आपकी एडमिशन फीस के साथ साथ आपकी एग्जाम फीस भी उसी टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चार्ज की जाती है तो पर सब्जेक्ट चार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस एंड थ्योरी सब्जेक्ट की एग्जाम फीस रुपीज टू फिफ्टी ढाई सौ रुपये पर थ्योरी सब्जेक्ट एग्जाम फीस वो चार्ज की जाती है यदि आपका सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे चूज किया है पढ़ने के लिए उसमें अगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फिजिक्स चूज किया तो फिजिक्स की थ्योरी एग्जाम की फीस ढाई सौ रुपए और प्रैक्टिकल कंपोनेंट एग्जाम की फीस एक सौ बीस रुपए तो 480 प्लस 250 प्लस 120 ये आपकी एक सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन फीस हो गई एग्जाम्पल के लिए यदि आपने फिजिक्स पहले पढ़ा था बोर्ड में और उसी सब्जेक्ट को यहां पे आप दोबारा से पढ़ के एग्जाम देना चाहते हो तो 480 प्लस 250 प्लस 120 ये आपकी फीस है उस सब्जेक्ट की यदि आप फिजिक्स पहले पढ़ा था और वो क्लियर नहीं कर पाए और यहां पर अब फिजिक्स छोड़ के आप उसकी जगह डेटा एंट्री या पेंटिंग या कोई भी और अदर सब्जेक्ट चूज करते हैं तो 480 फॉर रजिस्ट्रेशन फी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जाम फीस ढाई सौ रुपए थ्योरी के अगर उसमें प्रैक्टिकल है तो एक सौ बीस रुपए प्लस सात सौ बीस रुपए फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट वो आपकी एक सब्जेक्ट की फीस है आपने यदि दूसरे बोर्ड से पढ़ाई की और सक्सेसफुल नहीं हो पाए और यहां पे आके जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन फीस एग्जाम फीस और चेंज ऑफ सब्जेक्ट फीस के अलावा अगर आप दो सब्जेक्ट वहां से कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट टी फीस एक रुपए पर सब्जेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही पे करना पड़ता है यह स्ट्रीम टू में है यदि आप सेकेंडरी लेवल पे दसवीं लेवल पे स्ट्रीम थ्री में एडमिशन लेते हैं यदि आप किसी दूसरे बोर्ड से दसवीं क्लियर नहीं कर पाए और यहां पर दसवीं में स्ट्रीम थ्री में ऑन डिमांड एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं तो सब्जेक्ट की फीस रजिस्ट्रेशन फीस चार सौ रुपए एग्जाम फीस फॉर थ्योरी पांच सौ रुपए प्रैक्टिकल कंपोनेंट की एग्जाम फीस दो सौ रुपए जो कि आपकी स्ट्रीम टू में ढाई सौ थ्योरी पर सब्जेक्ट था एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल के एक सौ रुपए पर सब्जेक्ट थे ऑन डिमांड एग्जाम्स अगर आप अपीयर करते हैं तो पांच सौ रुपए थ्योरी एग्जाम फीस और दो सौ रुपए प्रैक्टिकल एग्जाम फीस पर सब्जेक्ट आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे पे करेंगे टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की फीस एक सौ रुपए चेंज ऑफ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट की फीस सात यही फीस आप स्ट्रीम फोर यदि आप बारहवीं में ऑन डिमांड एग्जाम में अपियर करते हैं तो पर सब्जेक्ट चार सौ रुपए रजिस्ट्रेशन फीस पांच सौ रुपए पर सब्जेक्ट थ्योरी एग्जाम फीस एडिशनल रुपीज टू फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट फीस टीओसी फीस एक सौ रुपए और सात सौ रुपए एडिशनल चेंज ऑफ सब्जेक्ट फीस इन सभी फीस के अलावा रुपीज फिफ्टी पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यू हैव टू पे फ्रॉम द पोर्टल एट द टाइम ऑफ एडमिशन या जब आप एग्जाम फीस पे करेंगे ध्यान इस बात पर ज्यादा दिया जाना चाहिए कि जो एन आई यूएस की फीस है यह पांच साल की रजिस्ट्रेशन के लिए स्ट्रीम वन की फीस है रजिस्ट्रेशन फीस इज ऑलवेज फॉर फाइव इयर्स बट एग्जाम फी हेज टू बी पेड एवरी टाइम वेन यू अपियर इन द एग्जाम टी फीस अगर आप एडमिशन के टाइम पे टी ओ डिक्लेयर करते हैं कि मुझे इन दो सब्जेक्ट्स का टी लेना है तो आपकी पर सब्जेक्ट टी ओ सी फीस इज वन हंड्रेड एंड एट्टी रुपीज एक सौ अस्सी रुपये प्रोस्पेक्टस पढ़ें एडमिशन लेने से पहले प्रोस्पेक्टस पढ़ें प्रोस्पेक्टस में एडमिशंस के बारे में एग्जाम्स के बारे में रिजल्ट मेथड के बारे में रिजल्ट के बारे में सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी मीडियम्स के बारे में ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट के बारे में पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है ये जानकारी हम भी आपको अलग अलग माध्यम से देते रहेंगे उम्मीद करते हैं कि आप इन सब जानकारियों पर ध्यान देंगे और किसी भी गलत वेबसाइट फेक वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं करेंगे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आपको एडमिशन के लिए एन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ही विजिट करना चाहिए और यदि आपको किसी भी तरह की जानकारी में शंका है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो एन की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट एन पर जाकर ही सर्च करें वहाँ पर हमारे रीजनल सेंटर्स एन आई ओस हेडक्वाटर के अलावा ट्वेंटी थ्री रीजनल सेंटर्स तेईस रीजनल सेंटर्स हैं जिनकी डिटेल जिनकी विस्तृत जानकारी एन आई की वेबसाइट पे दी गई है आप भारत या विश्व के किसी भी कोने में हैं तो आपको वहां पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आपका नियरेस्ट रीजनल सेंटर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं फोन कर सकते हैं अगर आपके बहुत नज़दीक है रीजनल सेंटर तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं इसके अलावा आप रीजनल सेंटर्स के अलावा आप नियरेस्ट स्टडी सेंटर पे भी जाकर डिस्कस कर सकते हैं या वहां पर जाकर एडमिशन के लिए हेल्प ले सकते हैं एन रीजनल सेंटर में फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर जाकर आप एडमिशन के लिए अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या स्टडी सेंटर्स पर जाकर, जाकर, जाकर आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं स्टडी सेंटर्स की कंप्लीट लिस्ट एन की वेबसाइट पर अवेलेबल है चाहे वो एकेडमिक स्टडी सेंटर्स हो दसवीं बारहवीं के लिए चाहे वो वोकेशनल सेंटर्स हो वोकेशनल एवियाईज हो स्किल बेस्ड एजुकेशनल कोर्सेज देने के लिए जो कि एन के स्टडी सेंटर्स हैं एन के स्टडी सेंटर्स की डेडिकेटेड लिस्ट एन के पोर्टल पर ही मिलेगी आपको बाहर कहीं पर अगर एन स्टडी सेंटर का लिखा हुआ बोर्ड मिले तो आप पहले उसको एन की वेबसाइट पर चेक कर लीजिए हर स्टडी सेंटर का एन ने एक कोड दिया है क्या वो कोड एन की वेबसाइट पे अवेलेबल है क्योंकि आपको बाहर दुनिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी मिलेंगे जो कि एन का नाम लेकर आपको ठग सकते हैं या आपके साथ आपकी इंफॉर्मेशन को मिस यूज कर सकते हैं आपको इंफॉर्मेशन लेके तो सतर्क रहिए एन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इंफॉर्मेशन देखिए वहीं से रजिस्ट्रेशन कीजिए वहीं से पे कीजिए एग्जाम फीस एडमिशन फीस और हर स्टूडेंट का एक डैशबोर्ड बनता है वो सब ध्यान रखिए धन्यवाद